जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मेरा रजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्लांट के संदर्भ में जो मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट है उसमें आज हम लोग देखेंगे प्लांट फ्लावर के बारे में। पादप में जो फ्लावर होता है, पुष्प होता है, इस पुष्प को हम लोग जनन अंग के रूप में हम लोग जानते हैं। तो पुष्प क्या होता है? एक प्रकार का जनन अंग होता है। इसमें मुख्य रूप से नर और साथ में मादा, ये दो जनन अंग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परागण जैसी क्रिया संपन्न होती है और परागण के बाद में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और परिणाम स्वरूप एक बीज या फल का निर्माण होता है। फल और ये जो बीज बनते हैं, इन सब के लिए जो जिम्मेदार होता है ये जनन अंग रिस्पॉन्सिबल होता है। अतः हम लोग कहेंगे नर और मादा जनन अंग आपस में परागण की क्रिया के माध्यम से क्या करते हैं? निषेचन, और फल और बीज का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। ये जो फ्लावर होता है, इसके अध्ययन करने की अगर हम लोग ब्रांच के बारे में बात करते हैं तो अध्ययन करने की शाखा को हम लोग एंथोलॉजी के रूप में हम लोग जानते हैं। और साथ में फूलों का जो संवर्धन होता है, फूलों का संवर्धन अर्थात अच्छे फूलों की जो खेती होती है उसको हम लोग फ्लोरीकल्चर के रूप में हम लोग जानते हैं। फ्लोरीकल्चर, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यदि पुष्प के संदर्भ में पूछा जाता है तो ये बेसिक सामान्य जानकारी है। यदि फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाता है कि फ्लावर का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, तो हम लोग देखते हैं कि एक जो पादप में फ्लावर होता है वो मुख्य रूप से इस प्रकार की आकृति के द्वारा निर्मित होता है। ये एक फ्लावर का एक सिंपल टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन, या फिर हम लोग कहेंगे पुष्प वृंत। ये कहलाता है पुष्पासन। इसको कहते हैं कैलिक्स। इसको कहा जाता है करोला। साथ में यहां पे एक अंग पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात की जाती है तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर इसका दिखाई देता है। इसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट। ये कनेक्टिव वाला पार्ट होता है और ये कहलाता है क्या? एंथर कहलाता है। और इस एंथर में जो लगे होते हैं इस प्रकार के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, यदि इनके बारे में बात की जाती है तो ये पराग कण के रूप में जाने जाते हैं। पराग कण, ठीक है। साथ में इस कंप्लीट पार्ट को हम लोग कहते हैं उमंग। एंड्रोशियम के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। और ये जो एंड्रोशियम होता है ये नर जनन अंग के रूप में जाना जाता है। नर जनन अंग के रूप में जाना जाता है। यदि एक सेकंड पार्ट के बारे में बात की जाती है तो ये वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं स्टिग्मा, और इस वाले भाग को कहा जाता है स्टाइल, और ये वाला जो भाग होता है ये कहलाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर मौजूद होता है यहाँ पे ओव्यूल, और इस कंप्लीट पार्ट को कहा जाता है क्या? जायांग, गाइनोशियम। जो गाइनोशियम होता है ये मुख्य रूप से मादा जनन अंग होता है। मादा जनन अंग, ठीक है। ये जो आपको कैलिक्स दिखाई देता है इसकी यूनिट होती है सेपल कहलाती है।
और करोला जो रंगीन होता है, जो कलरफुल आपको पुष्प दिखाई देते हैं, जो कलरफुल भाग होते हैं वो क्या होते हैं, करोला होते हैं। इसका यूनिट जो होता है वो पेटल कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है, पेटल के रूप में जाना जाता है। साथ में हम लोग यदि नर जनन अंग के बारे में बात करते हैं तो जो नर जनन अंग होता है इसके यूनिट के रूप में हम लोग जो जानते हैं वो होता है स्टेमन, पुंकेसर। तो पुंकेसर क्या होता है, पुंकेसर मुख्य रूप से नर जनन अंग का यूनिट कहलाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम लोग अगर कहेंगे कि पुंकेसर, तो पुंकेसर क्या होता है, नर जनन अंग का यूनिट के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेमन के रूप में हम लोग जानते हैं। और जो मादा जनन अंग होता है इसका जो यूनिट होता है वो पिस्टिल के रूप में जाना जाता है। तो आशा आप लोगों को ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो ओव्यूल ओवरी होता है इनमें, यहाँ पे जो ओवरी होता है इस ओवरी के माध्यम से फल का निर्माण होता है, ओव्यूल के माध्यम से बीज का निर्माण होता है, और पराग कण जो होते हैं इन पराग कण के स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहा जाता है। तो आशा है आप लोगों को पुष्प का सामान्य जो जानकारी वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अंकित ये बंद करो मैडम।